तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। ये जो फीचर है सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए बहुत काम का फीचर है। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं आगे दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको WhatsApp के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको जाना है पहले तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने मोबाइल के WhatsApp को अपडेट कर लेना है। मैं फिलहाल बीटा यूजर पे हूं और ये बीटा यूजर के लिए अभी फिलहाल रोल आउट हुआ है। अगर आपके पास अभी अगर बीटा यूजर भी अगर आपके पास अपडेट नहीं आया तो आपको थोड़ा वेट करना रहेगा, वो मिल जाएगा। तो ये फीचर क्या है, इसके लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं अपनी भी कोई सी भी चैट में आ गया हूं। तो ये फीचर दोस्तों ये है, होता क्या है, मान लो हमने किसी को कोई गलती से कोई मैसेज भेज दिया, लाइक मैं अभी आपके सामने ये मैसेज भेज रहा हूँ, ये मैंने कोई गलती से मैसेज भेज दिया और हमें इसको यार डिलीट करना है या फिर बोल सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन करना है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हमने यू क्लिक करा, क्लिक करने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन की जगह हमसे गलती से डिलीट फॉर मी हो जाता है कभी कभार। तो यार हो गया तो गया। यहाँ पर आप क्या किया गया दोस्तों, आपको एक नया फीचर ऐड ऑन कर दिया गया है कि अगर आप गलती से किसी को डिलीट फॉर मी कर देते हैं तो आपको नीचे अंडू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि कमाल का फीचर है। मतलब कि यही है कमाल का अपडेट। मान लो आपने तो अगर आप यहाँ से किसी को भी डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं तो आप उसको यहाँ पर रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी मैसेज को गलती से यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। वापस आप देख रहे होंगे अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वापस उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ये होता ही है, हमें गलती से किसी का डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया हमने गलती से और हमें फटाक से वापस लेना है, तो आपको कुछ सेकंड के लिए मिलेगा अंडू का ऑप्शन, आप फट से वापस ले सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने किसी को कोई मैसेज भेजा है, हम उसको डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहते हैं बट गलती से डिलीट फॉर मी हो जाता है और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अब आप अंडू करके वापस उस पर क्लिक करके डिलीट फॉर एवरीवन भी कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट्स है यार, मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है मैं कोई मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन करना चाहूँ वो गलती से डिलीट फॉर मी हो जाता है और वो सामने वाले के पास पहुँच जाता है, तो ये दिक्कत होती है। तो आप यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन भी डिलीट फॉर मी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर आपसे गलती से उसको डिलीट कर दिया तो आप वहाँ पर अंडू वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है मैसेज डिलीटेड फॉर मी, आप वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही नया अपडेट था, यही नया फीचर था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मेरे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे टेक्निकल अपडेट्स के लिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। और अगर आपको लगता है यार मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।